झारखंड के राजनीतिक हलचल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सरकार में शामिल विधायकों को बाहर भेजने की तैयारी में है हेमंत सोरेन। सरकार बंगाल या छत्तीसगढ़ शिफ्ट किए जा सकते हैं। यूपीए के विधायक दिल्ली भी किसी भी वक्त विधायकों को रवाना करने का फिलहाल फैसला किया जा सकता है। और दिल्ली से भी नजर रखी जा रही है इन विधायकों पर। अपने सामान के साथ महागठबंधन के विधायकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। और आज ही सीएम सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर फैसला आना है। और रांची से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। कुमार, क्या हो रहा है झारखंड में और कब तक हेमंत सोरेन की सदस्यता पर राज्यपाल का फैसला आ सकता है? देखिए विपिन, जहां तक राज्यपाल की तरफ से फैसले की बात है तो बताया जा रहा है कि राज्यपाल कानूनविदों की राय ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं राज्यपाल का दिल्ली से झारखंड आगमन हुए पड़े हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने अब तक फैसला क्यों नहीं लिया है। संभव है कुछ और भी वजह रही होगी जिसकी वजह से वो अपना फैसला नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन इस उहापोह की स्थिति में जो मौजूदा सरकार है उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसके विधायकों को कोई तोड़ ना ले, इसलिए अपने सरकार को बचाने की कोशिश में, लोकतंत्र में जो आंकड़ों का महत्व है उसको बचाने की कोशिश में अब एक नई कवायद शुरू हुई है। और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि अभी जो बैठक चल रही है विपिन, हमारे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, और लगातार विधायकों का आना जारी है, और ये जो बैठक चल रही है इस बैठक के बाद विधायकों को बताया जाएगा कि आपको कहां लेके जाया जा रहा है अथवा नहीं। ठीक है, हमने देखा है कि देश बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार पर संकट बरकरार है तो दूसरी तरफ यूपीए के विधायकों की 24 घंटे के अंदर तीसरी बार बैठक बुलाई गई है और दूसरे प्रदेश शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। और जैसा कि बैठकों का दौर चल रहा है उसी के तहत बड़ी खबर ये भी है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त भी बैठक कर रहे हैं। सोरेन ने कपिल सिब्बल से हालांकि बातचीत की है और आगे की रणनीति के तहत ये बातचीत बहुत ज़रूरी बताई जा रही है। हालांकि विधानसभा सदस्यता जाने पर सीएम बने रहने का रास्ता निकाला गया है। चुनाव लड़ने पर रोक ना लगे तो दोबारा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और विधायक दल के नेता बनकर 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो तमाम विकल्प जो इस वक्त सोरेन के सामने हैं उसके तहत, हेमंत के सामने जो विकल्प हैं उसके तहत उन्होंने न सिर्फ बैठक की है बल्कि इस बीच खबर ये भी आई है कि थोड़ी देर पहले उन्होंने इस बारे में कपिल सिब्बल से भी बातचीत कर आगे की रणनीति बनाई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है। खबर है कि हेमंत सोरेन किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड के राज्यपाल सीएम हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने के लिए अपनी सिफारिश चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। इस बीच एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। सीएम आवास पर यूपीए विधायकों की प्रदेश की राजनीतिक संकट को लेकर ये तीसरी बैठक है जिसमें आगे की रणनीति तय हो सकती है। इससे पहले कल सीएम आवास पर यूपीए की 2 राउंड बैठक हुई, शुक्रवार देर रात तक चली। यूपीए विधायकों की डिनर डिप्लोमेसी में 40 विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद विधायकों ने दावा किया कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और सरकार को कुछ नहीं होने वाला। हम लोग जो है जिस तरीका का अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, न झुके हैं न झुकेंगे, और जो भी जुल्म होगा हर जुल्म सितम सहकर भी झारखंड की अस्मिता को बचाएंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सिर्फ सदस्यता रद्द होती है, उनके दोबारा चुनाव लड़कर आने पर रोक नहीं लगाई जाती तो वे त्याग पत्र देकर फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं।